हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जो है वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि मैं जितने भी लोगों की एनर्जीज़ को ले पाऊँगी मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, और हर पॉइंट रेजोनेट करे आपके साथ, कोई ज़रूरी नहीं है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक, ओके। आप लोग देख रहे हो कि ये माला मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है ना? ये माला मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है और आप सोच रहे हो कि ये माला क्यों दिखा रही हैं। देखो गाइज, ये जो माला है मैं आप लोग को पहले भी दे चुकी हूँ और इससे लगभग 90% लोगों को रिजल्ट मिला है। ठीक, 10% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यू इस जाप को, इस माले से। ठीक है, तो ये जो माला है मैं आपको एक्टिवेट करके ये भी देती हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान के अनुसार से एक्टिवेट किया जाता है और एक्टिवेट करके आपको दिया जाता है, जिससे आपको जो मंत्र दिया जाता है आपके रियूनियन के लिए, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनसे शादी करने के लिए, या फिर आप जिनके साथ भी अपना रिलेशन सही करना चाहते हैं, ठीक, उनसे अपना रिलेशन सही करने के लिए मैं ये जो है आपको देती हूँ, ये जो माला है मैं आपको देती हूँ। ठीक, ये माला से आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी होगा कि इस माले से आपको लक्ष्मी का आगमन भी होता है, यानी कि धन का आगमन भी होता है। और माला को है ये, इस माले से आपको मैं एक मंत्र देती हूँ जिसको आपको जाप करना होता है। वो मंत्र जो माला लेते हैं मैं उनको बताया करती हूँ अक्सर। ठीक है, जो लोग माला लेते हैं और माला के साथ में रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट देती हूँ, तो आप लोग जो है जो लोग ये माला लेंगे, ठीक है, उनको मंत्र दिया जाएगा, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा, जिससे रिज़ल्ट आप लोगों को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट मिल चुका है मेरे इस माले की वजह से, और जो लोग अभी भी लेना चाहते हैं उनके लिए जो है खुला हुआ है बुकिंग अब इस माले की। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे नंबर आपको नहीं शो हो रहा होगा, बट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पुराने वीडियोस में मेरे नंबर देख सकते हैं जो 2-3 दिन पहले अपलोड हुए हैं, उसमें नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस न वो नंबर लेकर के आप कॉन्टैक्ट कीजिए इस माले को लेकर के, यानी कि आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि आपको जो है ना ये माला चाहिए और मंत्र चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी और आपको कैसे जाप करना है, कब जाप करना है, सब मैं बता दूंगी आपको। ठीक, तो जिनको लेना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं अब आपके कार्ड्स की, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं आपके कार्ड्स में। ओके, सो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे? ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मून की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द मून की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि मुझे बता रही है आपके कार्ड्स में कि मून की एनर्जी के अनुसार से। देखो, आपके कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने दिल की बातें, जो छुपी हुई बातें हैं, जो इन्होंने बहुत टाइम से छुपा के रखी हैं, वो बातें करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे
बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको ये कहना है, मुझे उसको वो कहना है ना, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके आपके पार्टनर जो है ना, अपने दिल में छुपी हुई बातें आपको बताने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया भी होगा आपसे, बहुत कुछ छुपाया होगा अपने बारे में या अपने पास्ट लाइफ के बारे में, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया होगा। तो अब जो है ये पर्सन एकदम से अब खुलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं कि इन्होंने आखिर क्या क्या छुपाया है आपसे। ये पर्सन ये बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 of Swords, 6 of Wands, The Hanged Man, 10 of Cups, Knight of Swords, Temperance, 4 of Wands, Ace of Swords, 9 of Swords एंड जस्टिस का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। यहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच, देखो यहाँ जो कनेक्शन है, जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे यही फील होती हुई दिखाई दे रही है, यही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मैं उसके बिना बहुत दुखी रहने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी, मैं उसके बिना इस तरीके से तन्हा फील कर रहा हूँ, इस तरीके से खालीपन फील कर रहा हूँ कि अब मुझे अपने आप के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं बर्डन में चल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी फील हो रही है कि एकदम मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, पूरी तरीके से माइंड डिस्टर्ब हो गया है मेरा। तुम समझ नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते मैं किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा हूँ। मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे स्टक नज़र आती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ, मैं एकदम से तन्हा हो गया हूँ, एकदम तन्हा, पूरी तरीके से तन्हा हो गया हूँ, अकेलापन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक एक जो इनकी एनर्जी है आपके पार्टनर की, मुझे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली दिखाई दे रही है एकदम से। आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ये पर्सन एकदम आगे बढ़ते हुए से ही दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि एकदम से अपने रिलेशनशिप को एकदम पकड़ लेना है, अपने रिलेशनशिप को एकदम आगे लेके जाना है, एकदम स्टक हो गए हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या लाइफ में जो अदर चीज़ें हैं उनके ऊपर मेरा ध्यान नहीं जा पा रहा है। मैं, तुम्हें पता है, मैं जो है आजकल अकेले बैठा रहता हूँ, अकेले, एकदम टोटल अकेले बैठा रहता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं तकलीफ़ में होता हूँ, मैं दर्द में होता हूँ, और मेरा ये जो दर्द है, मेरी जो तकलीफ़ें हैं, ये मेरे दर्द तकलीफ़ में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को नहीं सुन सकता, मैं मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को कोई समझ ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा फील होने लगा है कि मेरे दर्द का साथी कोई नहीं है, सब सुख के साथी हैं, दुख के साथी कोई नहीं है, और दुख मुझे आज कल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। देखो मैं जानता हूँ कि उसका मेरा जो रिलेशन है ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम दोनों चाहें तो। यहाँ सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होता है, सिर्फ मेरे चाहने से ये नहीं हुआ कि मैं उससे शादी कर लूँगा, उसे भी चाहना चाहिए, उसे भी अपना प्यार दिखाना होगा। सिर्फ मैं अपना प्यार दिखा करके मैं नहीं रह सकता उसके साथ, ठीक है, सिर्फ उसे अपना प्यार दिखा करके मैं नहीं रह सकता,
मुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी, मुझे उसके साथ मैनेज करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, मुझे अपने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना होगा, मुझे ये लगता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ उसके बारे में, बहुत ज़्यादा मैं सोचने लगा हूँ। मेरी जो तकलीफ़ें हैं, मेरा जो दर्द है, तन्हाई है, खालीपन है, वो मैं नहीं सहन कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा है कि मैं दर्द में और तकलीफ़ में, तन्हाई में, अकेलेपन में ऐसे मैं गुजारूं टाइम, मेरा नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कभी बहुत क्लियर हो जा रहा हूं कि हाँ, मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे उसके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने उसे ठुकरा करके मैंने गलत भी किया हुआ है। मैं उसके साथ फैमिली बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसके साथ फैमिली बना करके अपने रिश्ते को एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूत। मैं मजबूत इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट हूँ और वो मेरे लिए परफेक्ट है। इसलिए जो है ना, मैं उसके तरफ आना चाहता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, उसे शादी करके अपने साथ रखना चाहता हूँ। मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं जो है उसके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करूं। मेरे दिल की तमन्ना है ये कि मैं उसके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करूं, और रिलेशन कंटिन्यू करने के साथ साथ मैं उसके साथ जो भी हो सकता है, जो भी अपनी तरफ से बन सकता है, मैं वो करूं। मैं चाहता हूं कि मेरा और उसका जो स्ट्रांग कनेक्शन है, वो स्ट्रांग कनेक्शन आगे भी रहे, और मैं उसको जस्टिस देना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों लगता है जैसे कि मैंने गलती करी है, मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने बहुत कुछ ऐसे देखे हैं, ऐसी चीज़ें जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं जो है अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, इनको इनके दोस्त ने क्या कहा है। फोर ऑफ कप्स। उठते हैं कदम, रुक जाते हैं, दिल हमको बहुत समझाता है। किंग ऑफ सॉर्ट्स। हम दिल को बहुत समझाते हैं। किंग ऑफ वेंट्स। द सन। वाओ। सेवन यानी कि चैरिट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। किंग ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है, इनके दोस्त ने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि देख, तू अफसोस मत कर, अफसोस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, अफसोस कर कर के क्या कर लेगा तू, कुछ होगा नहीं होगा ना, तो अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अफसोस मत कर, कुछ करना है ना तुझे तो तू डिसीज़न ले, तू क्लियर डिसीज़न ले, तू स्ट्रिक्ट हो, तू स्ट्रिक्ट तरीके से डिसीज़न ले, और डिसीज़न लेगा तभी तू आगे भी बढ़ पाएगा, डिसीज़न नहीं लेगा तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये तू लिख के गारंटी ले ले तू मेरे से, ठीक है। तुझे बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए, तुझे बहुत ही रूड होकर के, मतलब अपने अपने मन से तू पूछ, अपने दिल से पूछ कि तेरा दिल, तेरा मन क्या कहता है। मैं तेरे को यही कहूँगा या यही कहूँगी कि तुझे जो है ना उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है ना भाई, तू मैच नहीं करता उससे, तू ये समझ ले, तू उससे मैच नहीं करता, उसकी पर्सनालिटी तेरे से अच्छी है, तेरे से अच्छी है वो, ठीक है। और
तुझे उसके साथ मैनेज करना है तो तुझे थोड़ा सा डाउन तो होना पड़ेगा। देख, इसमें ईगो और एटीट्यूड रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तुझे ईगो और एटीट्यूड रख करके, देख, किसी भी रिलेशनशिप में ईगो एटीट्यूड आ जाए ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं यही तेरे तुझे कहूँगी कि तुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कहते हुए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि तुझे ज़िंदगी में अगर कुछ अगर सही डिसीज़न लेना है तो तेरे लिए बेस्ट डिसीज़न यही होगा, बेस्ट तेरे लिए यही होगा कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी या बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि तुझे लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और तुझे उसके लिए डिसीज़न लेने से भी कोई रोक नहीं सकता। मैं तो तेरे साथ हूँ। ठीक है, तू अगर चाहता है, तू अगर करना चाहता है तो तू देख ले, तुझे करना चाहिए। मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगा कि तू आगे बढ़। ठीक है, तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा आगे बढ़ जाना तेरे लिए बेहतर रहेगा। तेरा आगे बढ़ जाना तेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तू किसी को, है ना, किसी को भी मुझे नहीं लगता कि तुझे भी किसी को धोखा देना चाहिए या तू किसी को धोखा देना जानता है, मुझे तेरा ये नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि तुझे जाना चाहिए, तुझे बात करनी चाहिए। एक बार तू जा, बात कर, तू देख, चीज़ों को समझ, सोच, फिर देख कि तेरा क्या है क्या नहीं है। मैं तुझे, देख मेरे भाई, यही सजेशन दूंगा कि तुझे आगे बढ़ करके और अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। तू अपने रिश्ते को संभाल सकता है, ना कि मैं, ना ही कि कोई और, है ना। तो तुझे अगर रिश्ता संभालना है तो तुझे एफर्ट डालना पड़ेगा, तुझे बात करनी होगी। ठीक है, तुझे बात करके इस जो रिलेशनशिप है इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसको डील करना होगा। ठीक है, तुझे डील करना होगा तभी जाके तेरा रिलेशनशिप सही हो पाएगा। इसमें मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता कुछ भी, कोई और तेरी हेल्प नहीं कर सकता। तू अपनी हेल्प तू खुद करेगा। ठीक है, और तुझे खुद क्लियर होता जाएगा कि क्या है क्या नहीं है तेरे लिए बेस्ट। ठीक, तो मैं कहूँगा कि तू आगे जा। ठीक, तू आगे बढ़ और देख तेरे सामने सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुझे यही सजेशन दूंगा, आगे तेरी मर्ज़ी, तुझे क्या करना है। ठीक, तो इनके दोस्त ने इनको साफ बोल दिया है कि ये बात है और इनको क्या करना है, अब इनको डिसीज़न अपना खुद लेना होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से टोटली यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।